नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं और ये खबर है शरद पवार की NCP और अजीत पवार की NCP से जुड़ी हुई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर अजीत पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब मांगा है। नार्वेकर ने महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP घोषित किया था। ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने आज यानी सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर अजीत पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब मांग लिया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP घोषित किया गया था। शरद पवार गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि महाराष्ट्र विधानसभा के बचे हुए छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवम्बर में समाप्त हो जाएगा। पीठ जिसमें न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल है, उन्होंने कहा कि अदालत शरद पवार गुट के सांसदों जयंत पाटिल और जितेंद्र अवार्ड की याचिका पर उद्धव ठाकरे गुट की इसी तरह की जो याचिका है उस पर सुनवाई के तुरंत बाद सुनवाई करने वाली है। पीठ ने कहा कि वह शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करेगी और साथ ही साथ ये भी कहा, पीठ ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे विचारणीयता के आधार सहित सभी आपत्तियों पर अंतिम निर्णय जो है वो भी लिया जाएगा। ठाकरे गुट ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के पक्ष में स्पीकर के फैसले के खिलाफ इसी तरह की याचिका जो है वो भी दायर की थी। फरवरी में स्पीकर ने माना था कि अजीत पवार के नेतृत्व वाला ही NCP गुट जो है वो असली गुट है और जिसने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत और भाजपा शिवसेना जो है उसमें सरकार में शामिल हो गई थी उसी को असली NCP जो है वो कहा था। स्पीकर ने प्रतिद्वंदी समूहों द्वारा एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया था। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि 2022 में हुई घटनाक्रम को अगर आप याद करें तो उस समय महाराष्ट्र में दो बड़ी पार्टियों का विभाजन हुआ था। एक शरद पवार की NCP जो टूट के दो हिस्सों में हो गई थी, एक हिस्सा अजीत पवार NCP अपने पास लेकर के महायुति में शामिल हो गए थे अपने 40 विधायकों के साथ में। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो टूटी थी, जिससे एकनाथ शिंदे अलग हुए और वो BJP के साथ शामिल हुए और महायुति में सरकार बनाई। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था जिसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति गर्म थी और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, कंफ्यूजन की स्थिति भी लोगों में थी और उस चीज को लेकर के जो है कोर्ट में जो है वो मामला पहुंच गया है और उस पर आगे की सुनवाई जो है वो होने वाली है। जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।